मैं आप लोगों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, बहुत शॉर्ट नोटिस में आप लोगों 20 मिनट में आ गए। ये आप लोगों के माध्यम से हम लोग अपील करना चाहते हैं कि देखिए, वायलेंस से जो है अभी कोई जो है किसी का फ़ायदा होने वाला नहीं है। होता क्या है कि लोगों का जो है रोज़गार चला जाता है, दुकानें जलती हैं, या फिर किसी का गाड़ी टूट जाता है, या किसी का घर जो है उसको डैमेज होता है, तो इसमें किसी का कोई जो है किसी का कोई फ़ायदा नहीं है, नुकसान ही है। कॉमन पब्लिक भी सफ़र करती है और एक जनरल एक एटमॉस्फियर फियर का होता है। तो हम बस ये जो है लोगों के साथ अपील करना चाहते हैं कि कोई भी किसी भी प्रकार का जो है वायलेंस में भागीदारी ना बने। और दूसरा ये है कि कोई भी अगर यदि उनको किसी प्रकार का कोई खबर भी आता है कि फलाने जगह पे जो है पॉलिटिकल क्लैश हो रहा है, या फलाने जगह में ट्राइबल नॉन ट्राइबल ऐसा क्लैश हो रहा है, तो उस पर विश्वास ना करें। और क्या है कि सोशल मीडिया के टाइम पे जो है बहुत तेज़ी से अफवाहें भी फैलती हैं, तो कोई भी ऐसा जो चीज़ है उस पर जो है विश्वास ना करें। और कोई अगर ऐसा खबर आता है तो हमारा इलेक्शन में जैसे पोल के समय जो हमारा कंट्रोल रूम था वो अभी भी फंक्शनल है और आने वाले समय में भी फंक्शनल रहेगा, तो वो कभी भी किसी भी समय कोई इस तरह की जानकारी आती है तो उसको वेरीफाई कर सकते हैं हमारे यहाँ कंट्रोल रूम में, और जो है इसी प्रकार से सब डिविजनल लेवल पे। और इसी में हम लोग आगे बढ़ते हुए, एक कदम आगे बढ़ते हुए, हम लोगों ने सब डिविजनल लेवल पे CAPF कमांडर्स और SDPO की उपस्थिति में SDM जो लोग हैं सभी कैंडिडेट्स के साथ एक पीस मीटिंग कर रहे हैं, ताकि जो है हम चाहते हैं कि एक जो है गुड सेंस प्रिवेल करे और लोगों को जो है एक पीसफुल इन्वायरमेंट में रहने का जो है एक माहौल क्रिएट हो, और किसी भी प्रकार का कोई दुर्घटना हो गई या फिर कोई भी किसी भी प्रकार का वायलेंस जो है उसको अवॉइड करे। और जैसे कि SP साहब ने कहा है, हम लोगों की पूरी तैयारी है, आज भी हम लोग तैयार हैं, आने वाले समय में भी तैयार हैं, और पहले भी हमारी तैयारी अच्छी रही है। तो इनकेस अगर ऐसा कुछ होता भी है तो हम लोग जो है प्रॉम्प्ट एक्शन ले रहे हैं, उसके लिए हमारे पास एक्शन प्लान भी है, QRT वगैरह हमारी बनी हुई है। आप लोगों को जान के जानकारी होगी कि पोल के दिन में 100 से ज़्यादा कंप्लेन आए थे, और बहुत दूर दूर इलाके से भी, जैसे थालचेरा ऐसे इलाके से भी कंप्लेन आई थी, और उसको हम लोगों ने 20 मिनट के अंदर रिजॉल्व किया, क्योंकि हम लोगों ने उस तरीके से प्रॉपर प्लानिंग और फोर्स डिप्लॉयमेंट किया था। तो यही कंटिन्यू हो रहा है, और बस मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ और आप लोगों के माध्यम से यहाँ की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो है किसी भी प्रकार का जो है कोई इंसिडेंट होगा नहीं, और यदि होता भी है तो प्रशासन जो है उसको जो है कंट्रोल करने में और उसको मैनेज करने में सक्षम है। कंट्रोल रूम में जो है फ़ोन के माध्यम से कॉल लिया जाता है, मोबाइल में व्हाट्सएप के माध्यम से कॉल लिया जाता है, और डेडिकेटेड लोगों को जिम्मेदारी दी गई है सोशल मीडिया को मॉनिटर करने के लिए। तो उसके अलावा जो है सब डिविजनल लेवल पे भी कंट्रोल रूम है। तो हम लोग जितने भी तरीके से जो है पब्लिक से इंगेज कर सके, जितने भी तरीके से उनसे जानकारी ले सके या उनसे बात कर सके, ये हम लोग सारे ऑप्शंस रखे हुए हैं, और जो हम लोगों का सिस्टम पोल के समय चल रहा था वही कंटिन्यू करेगा। ठीक है, अभी ने हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोऑपरेट करके पूरे इलेक्शन को फेयर फ्री एंड पीसफुल बनाने में हेल्प की है। अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लास्ट 48 आवर्स में जो हमारी कंपनी जो पहले थी पोल के पहले, उतनी ही कंपनी 50+ कंपनी अभी भी दलाई में है, और कंटिन्यूसली एरिया डोमिनेशन फ्लैग मार्च वगैरह चल रहा है। हमारे जो नाका पहले जितने थे उतने ही नाका सफिशेंट फोर्स के साथ व्हीकल चेकिंग वहाँ पर चल रहा है, और आने वाले टाइम पे नेक्स्ट 2 वीक में जो काउंटिंग के पहले और काउंटिंग के बाद भी हमारा जो डिप्लॉयमेंट है वो और भी हम स्ट्रेंथन करने जा रहे हैं उसको। तो अभी आप देखोगे कि ग्राउंड पे और भी ज़्यादा फोर्स यहाँ दिखेगा, और आपके साथ आपके थ्रू मैं पूरी दलाई की जनता को बताना चाहता हूँ कि अगर कोई भी इंसिडेंस यहाँ पर होता है तो उस पर हम बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्शन लेंगे। और जैसा आपने देखा होगा कि पोल के पहले भी कुछ जो छुटपुट घटनाएँ हुई थी उसमें हमने इमिजिएटली लोगों को अरेस्ट किया जो भी अक्यूज थे, और केस रजिस्टर किया था। सिमिलर चीज़ें आने वाले टाइम पे होगी, और सभी पॉलिटिकल पार्टी के जो सपोर्टर्स हैं उनको भी बताना चाहता हूँ कि आने वाले टाइम पे बिल्कुल शांतिपूर्वक अपना जो मतदान जब जो काउंटिंग होगा तब और उसके बाद में भी शांतिपूर्वक रहना है सभी को, और सभी को एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोऑपरेशन देना है। अभी तक कमलपुर में जो घटना हुई थी वो लैंड डिस्प्यूट की वजह से, नहीं ऐसी हमारे पास अभी तक कोई कंप्लेन नहीं आया।
और जैसे कंप्लेन आएगा, कोई भी कंप्लेन हो, हम इमीडिएटली केस लेके अरेस्ट कर रहे हैं। आपने पहले वाले केसेस में भी देखा होगा कि जो भी इंसिडेंट्स हुए थे इमीडिएटली लोगों को हमने अरेस्ट किया था। सर, आपको लगता है कि पोल के बाद अभी कोई घटना होगा? नहीं, पोल के बाद घटना नहीं होगा और कुछ भी नहीं कह सकते। अगर होता है तो हम हमारा एक्शन लेंगे, लेकिन आपने देखा होगा कि पोल तक, इवन पोल प्लस 48 आवर्स तक अभी भी कोई भी घटना हमने होने नहीं दी है। और दलाई में पूरा, जैसे आपने पास्ट का रिकॉर्ड देखा होगा, पास्ट में पहले इंसिडेंट्स देखे होंगे कि आग लगा रहे हैं, उस तरह की कोई घटना यहाँ पर नहीं हुआ, पूरा पीसफुल यहाँ पर रहा है। आने वाले टाइम के लिए हम तैयार हैं और हमारी फोर्स ग्राउंड पे 24/7 काम कर रही है। सारे लोग रात भर, आपने देखा होगा कि सायरन के साथ पूरा व्हीकल हर एरिया के अंदर घूम रहा है। और हमने हमारा पूरा प्लान चौकआउट करके रखा है कि घटनाओं को कैसे रोकना है, कैसे प्रिवेंटिव एक्शन लेना है। और जो जो लोग इन्वॉल्व है इसमें ऑलरेडी, हम उनके अगेंस्ट में प्रिवेंटिव सेक्शन में हमने केस भी रजिस्टर किए हैं और बाइंड डाउन भी किया उनको। और ऐसा कुछ भी नहीं होने देंगे, हम आपको आश्वासन देते हैं इसका।